जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच हैंडबॉल टूर्नामेंट खेला गया। अंडर 18 में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जीत के बाद खिलाड़ियों ने कहा कि कोच द्वारा दी गई ट्रेनिंग की बदौलत हमें ऐतिहासिक जीत मिली है। वहीं टीम के कोच ने भारतीय टीम को जीत के लिए बधाई दी। में 10 से 14 जुलाई तक IHF मैन ट्रॉफी हैंडबॉल चैंपियनशिप है एशिया जोन 2 की। इसमें चार देशों ने भाग लिया है और आज फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश अंडर 18 में यूथ में है। कल थर्ड और फोर्थ पोजीशन के मैच थे जिसमें यूथ में नेपाल ने मालदीव को हरा के तीसरा स्थान हासिल किया और जूनियर वर्ग में मालदीव ने नेपाल को हरा के तीसरा स्थान हासिल किया है। इसमें चार देश भाग ले रहे हैं और ये जयपुर में IHF ट्रॉफी का दूसरी बार आयोजन हो रहा है। आज ये इस टूर्नामेंट IHF ट्रॉफी का फाइनल मैच अपने इंडिया और वर्सेस बांग्लादेश के बीच में मैच खेला गया है जिसमें कि हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस मैच को से जीता है। बांग्लादेश की टीम भी हालांकि बहुत अच्छी थी इस टूर्नामेंट में, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टीम वही बांग्लादेश थी। सो मैच बहुत अच्छा लगा, बहुत बच्चों ने, इंडियन टीम के लड़कों ने बहुत बहुत मेहनत करके बच्चों ने खेला है इसको। मेरा नाम रवि है और मैं इंडिया टीम का यूथ का कैप्टन हूँ और हमको पहले शुरू में लग रहा था कि थोड़ा होगा मैच लगेगा बांग्लादेश के साथ, पर इतना मुश्किल नहीं था और हम जीत गए आराम से। जीत चुके हैं लेकिन हमारे कोचेज की वजह से, हमने बहुत प्रैक्टिस करी, मेहनत करी, मेहनत की वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पूरी टीम एफर्ट्स के, ये टीम गेम है और तो टीम एफर्ट्स पूरा, पूरे सब प्लेयर बहुत अच्छे खेले, इसी वजह से हम लोग अच्छी लीड से जीते हैं और आगे भी सेकेंड फेज में भी जाएंगे, उसमें भी अच्छी लीड से जीतेंगे।